हेलो स्टूडेंट दिस इज़ लेक्चर फिफ्थ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ़ एल्किन्स तो कौन कौन से रिएक्शंस हमने पढ़नी थी और पढ़ी थी ठीक है तो हमने जो पढ़ी थी वो रिएक्शंस थी कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन मींस एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस जो थी उसमें हमने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने एडिशन ऑफ़ हाइड्रोजन हेलाइट एडिशन ऑफ़ हेलोजन एंड एडिशन ऑफ वाटर सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइट में हमने क्या पढ़ा था कि हाई एक एक साइड डब्ल्यू बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होता है एक साइड हेलाइड आयन अटैच होता है ठीक है तो उसके बाद ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेट आयन वाला ठीक है अगर आपको आर पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है मीन्स कोई कंडीशन नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन हेलाइड ऐड करना है आपने और अनसेमेट्रिकल एल्कीन है तो कौन सा रूल फॉलो होता है मार्कॉनिक ऑफ़ रूल और मकैनिज्म कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ठीक है अगर आपके पास आपको कंडीशन मिलती है कि हमारे पास क्या है बेंजोइल पारऑक्साइड तो बेंजोइल पारऑक्साइड की प्रेजेंस में रूल कौन सा फॉलो होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है और मैकेनिज्म जो फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल ठीक है तो उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ना था एडिशन ऑफ वाटर ठीक है एडिशन ऑफ वाटर को हम हाइड्रेशन भी बोलते हैं ये भी कौन सा रूल फॉलो करता है मार्कॉनिक ऑफ रूल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसमें भी आपके पास क्या फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है ठीक है अब जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है हमारे पास तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पर डिपेंड करेगा कार्बोकेटाइन पर कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है इसलिए हमारे पास रूल कौन सा फॉलो होता है मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है ठीक है जैसे यहाँ पर ठीक है तो एच पॉजिटिव आयन कहाँ पर अटैक कर रहा है उस कार्बन पर जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ठीक है तो क्योंकि ये कैसा कार्बोकेटाइन बनाएगा सेकेंडरी ठीक है तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हेलोजन और आपने हमेशा याद रखना हम सी एल और बी आर ई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सी सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर ठीक है तो हमें विसिनल डाई हेलाइड्स मिलते हैं ठीक है थीके? अब आपको ये भी याद रखना है कि इसमें सिर्फ सी एल टू और बी आर टू ही लेते हैं हम एफ टू और आई टू नहीं लेते हैं वो एक्सप्लेनेशन हमने दी थी लास्ट क्लास में उसके बाद आता है आपके पास मकैनिज़्म तो यहाँ पर मकैनिज़म जो फॉलो होता है वो दो मकैनिज़म है एक है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व करता है एक साइक्लिक साइकिलिकलोनिया आयन इंटरमीडिएट तो सबसे पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट उसमें क्या होता है कि आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जब वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा एल्कीन को तो एल्कीन का जो पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा तो पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड मींस इलेक्ट्रॉन रिच तो वो क्या करेगा नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है उसमें चार्जेस डेवलप कर देगा एक साइड पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव ठीक है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी की तरफ कौन अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा तो यहाँ से पाए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस हेलाइड को हेलोजन के पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो एक जब ये वाला डबल बॉन्ड मतलब एक बाय बॉन्ड इधर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये कार्बोकेट आय जनरेट हो गया फिर नेक्स्ट हेलाइड आयन अटैक करेगा तो हमारे पास डाई हेलाइड आएंगे तो इसकी कुछ लिमिटेशन थी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइक्लिक हेलोनियम आयन मकैनिज़म कि वो मकैनिज़म जो क्या इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हेलोनियम आयन ठीक है अब आपके पास क्या है सेम नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर बी आर टू मॉलिक्यूल अप्रोच करेगा एल्कीन को तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे सिमिलरली एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो पार्शल पॉजिटिव वाले चार पार्शल पॉजिटिवली चार जो हेलोजन आयन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर हमारे पास एक पाई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ठीक है इसमें होगा क्या ये वाला एल्किन का जो बॉन्ड है बी आर के साथ बॉन्ड बनाने में इधर यूज़ हो गया अब ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कैसे बनेगा जो बी आर के पास लोन पेयर है वो यूज होएंगे इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमें क्या देगा साइक्लिक बोरोनियम आयन ये यह यहाँ पर ये यह डॉटेड जो बॉन्ड्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये टू न्यू बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं फॉर्म हो रहे हैं तो हमारे पास साइक्लिक बोरोनियम आयन बन जाएगा ब्रोमीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक ब्रोमीन कहाँ हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा तो ये यहाँ पर अटैक करेगा ठीक है तो अब यहाँ पर बी आर नेगेटिव आयन एलिमिनेट हो गया अब इस बी आर नेगेटिव आयन ने अटैक करना है इनमें से किसी एक कार्बन पर ठीक है तो आपने याद रखना है जो साइक्लिक हेलोनियम आयन वाला मकैनिज़म होता है उसमें हमेशा हेलाइड आयन बैक साइड अटैक करता है ठीक है एक कार्बन से ये ब्रोमीन मतलब ये जो कार्बन है अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में इधर शिफ्ट कर देगा क्योंकि बी आर पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज फिर ये कार्बन कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक तो ये नेक्स्ट बी आर नेगेटिव क्या करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये अटैक आपने हमेशा याद रखना है कि बैक साइड अटैक होता है ताकि हिंड्रेंस ना हो कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस एक्सपीरियंस ना की जाए ठीक है तो इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो विसिनल डायब्रोमाइट तो है बट कैसा है ट्रांस एडिशन है और ट्रांस एडिशन हो रही है और हमने मैंने आपको लास्ट मकैनिज़म में एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ट्रांस ही बनते हैं जबकि अगर आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा तो वो ट्रांस भी देगा और सिस भी देगा क्योंकि कार्बोकाटाइन से अटैक दोनों साइड से पॉसिबल होता है ठीक है इसीलिए लिए ये मकैनिज़म कार्बोकेटाइन वाला मकैनिज़म फ़ेल हुआ और हमारे पास नया मकैनिज़म आया दैट इज़ साइक्लिक हेलोनियम आइन मकैनिज़म नेक्स्ट जो रिएक्शन हमने पढ़नी है वो पढ़नी है हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ही एग्जाम्पल है इसमें आपने देखना है कि ये कैसे रिएक्शन है रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन अब रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन क्या होती हैं मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसी रिएक्शन जिनमें दो प्रोडक्ट बनने की प्रॉसिबिलिटी होती है बट एक प्रोडक्ट कैसा बनता है मेन बनता है मेजर बनता है हो सकता है वो अकेला ही फॉर्म हो हो सकता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में फॉर्म हो ठीक है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन अब आपने हाइड्रेशन पढ़ा हाइड्रेशन में आपने वाटर ऐड किया लेकिन में एक साइड एच ऐड किया एक साइड ओ एच अब हम जो पढ़ रहे हैं हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअल में ऐड तो इसमें बनता जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है एल्कोहल ही बनता है एक साइड एच लगता है दूसरी साइड ओ OH एच लगता है बट हाइड्रेशन में जो रूल होता है वो कौन सा होता है मार्कॉनिक ऑफ़ इधर जो रूल होता है वो एंटी मार्कॉनिक ऑफ होता है ठीक है तो एल्कोहल इज़ ऑप्टेन थ्रू एंटी मार्कॉनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन ठीक है एंटी मार्कॉनिक ऑफ एडिशन होता है वाटर का टू एल्कीन और एक ये अकेली ऐसी रिएक्शन है जो कि एंटी मार्कोनिक ऑफ़ एडिशन कराती है वाटर का अदरवाइज़ मार्कोनिक ऑफ़ ही मिलता है ठीक है तो अब मैं आपको यहाँ को डिफ्रेंशिएशन दिखाती हूँ आपके पास क्या है ये प्रोपीन आपने वाटर ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ठीक है तो आपको क्या मिलेगा एक साइड एच एक साइड ओ एच बट ये सिंपल है देखो सिंपल हाइड्रेशन है तो कैसा मैकेनिज्म फॉलो होगा सॉरी कौन सा रूल फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ ओ एच ग्रुप तो यहाँ पर देखो जहां ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ हाइड्रोजन जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ ओ एच ग्रुप तो ये मार्कोनिकॉफ रूल हो गया बट अगर आप लेते हो डायबोरेन ठीक OH तो है एच टू ओ टू एंड ओ एच ठीक है तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है मतलब डाईबोरेन विथ सेकेंड स्टेप हाइड्रोजन पारऑक्साइड इन एल्कलाइन मीडियम तो हमारे पास बनेगा तो एल्कोहल एक साइड एच दूसरी साइड ओ एच OH, बट रूल कौन सा होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ ओ OH एच आएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर एच आएगा तो ये कैसा रूल हो गया एंटी मार्कोनिक ऑफ बट एडिशन किसकी हुई है वाटर की एच और ओ OH एच की तो ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिमिलरली ये दो कार्बन है डबली बॉन्डेड जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर ओ आ गया प्रोडक्ट में जहां ज्यादा हाइड्रोजन है यहां जहाँ कम जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पर ओ आएगा जहां कम हाइड्रोजन है वहां पर क्या आएगा एच तो वहां पर एच है हमारे पास तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है अब आपने पढ़ना है मकैनिज्म इसके मकैनिज्म में क्या होता है सबसे पहले आपको क्या मिला है डायबोरिन रिएक्टेंट में क्या है डायबोरेन तो डायबोरेन डिसोशिएट होता है बी एच थ्री बोरेन की फॉर्म में ठीक है तो अब बोरेन जो है आपके पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो जब इस किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी बी एच थ्री जैसे ये मॉलिक्यूल है जब इसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं है तो ये एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी एक्ट करेगा जब ये एज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी एक्ट कर रहा है और आपके पास एल्कीन है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगी तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और एल्कीन पर अटैक करेगा ठीक है अब आपने हमेशा याद रखना है इस डाइबोरेन वाली रिएक्शन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो बोरेन बोरो बोरेन का बोरोन होता है वो हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा कहाँ अटैक करेगा लेस सब्सिट्यूटेड पर अब ये दो कार्बन है डबली बॉन्डेड किसी पे भी अटैक कर जाए बट ये कहाँ अटैक करता है लेस सब्सिट्यूटेड पर तो बी अटैक कहाँ करेगा देखो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पहले तो अभी आगे पढ़ोगे आप वो और कैसे बनेगी यहाँ पर हो क्या रहा है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हम इसको डॉटेड फॉर्म में दिखाएंगे ठीक है अब ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये कैसा कैरेक्टर एक्वायर करेगा पार्शल पॉजिटिव कैरेक्टर क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा क्योंकि इधर से तो बॉन्ड टूट रहा है ना बोरोन बॉन्ड किसके साथ बना रहा है इस कार्बन के साथ क्योंकि ये क्या है लेस सब्सिट्यूटेड है इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन लगे और इसके साथ एक अल्काइल ग्रुप भी है तो ये वाला मोड सब्सटिट्यूटेड हुआ ठीक है तो ये अटैक करेगा यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए यहाँ पर पार्शल पॉजिटिव और बोरोन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसलिए पार्शल नेगेटिव ठीक है तो ये देखो जो एच है वो बोरोन के साथ ही रहेंगे ठीक है अब ये लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन पर इसलिए अटैक करता है ताकि कोई हिंड्रेंस ना हो ठीक है उसके बाद ये जो कार्बन है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर होगा तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा एज कम्पेयर टू यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास ये सब्सटीट्यूटेड है एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा इसलिए पॉजिटिव चार्ज मोर सब्सटिट्यूटेड पर ज़्यादा स्टेबल होगा ठीक है तो मोर सब्सटिट्यूटेड कार्बन एक बार पॉजिटिव चार्ज ठीक है अब आपके पास ये आपने ध्यान से समझना है कि बो बोरेन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अटैक करेगा यहाँ पर लेस सब्सिट्यूटेड कार्बन पर अब ये जो कार्बन है सेकेंड नंबर वाला कार्बन ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो गया इसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अब ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा ये लेगा बोरोन वाले बोरेन वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ठीक है तो नाउ सी टू बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन अटैच टू बोरोन अलॉन्ग विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अब देखना ज़रा ये बॉन्ड फॉर्म होगा ये ब्रेक होगा तो हम किस फॉर्म में दिखाएंगे डॉटेड फॉर्म में कि यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और यहाँ ब्रेक हो रहा है तो आपने डॉटेड फॉर्म में ही दिखाना है तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ से ब्रेक होके बोरोन वाले बॉन्ड को ब्रेक करके किसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और हमारे पास क्या आ जाएगा आर सी एच इधर एच लग गया और इधर क्या रह गया बी एच टू ठीक है तो ये हमारे पास एक नया मॉलिक्यूल बन गया है ठीक है अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमें तब तक एडिशन करानी है एल्कीन की जब तक ये बोरोन के सारे हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं बोरोन के साथ वो सारे हमने कंज्यूम करने हैं अभी कितने बचे हैं दो और बचे हैं ठीक है ठीके? अभी आप देखना आपके पास ये वाली एल्कन थी ना जिस पे आपने बी एच थ्री का अटैक करवाया तो आप क्या देखोगे कि जो मोर सब्सटिट्यूटेड एल्कीन कार्बन है ये वाला उसके साथ बी एच थ्री का एच लगता है और जो लेस सब्सटीट्यूटेड है उसके साथ बी एच थ्री से एच निकाल दो जो बचा बी एच टू वो ग्रुप अटैक करता है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा आप हमारे पास ध्यान से देखना इधर हमारे पास क्या होगा अभी तक बी के पास बोरोन के पास मतलब दो हाइड्रोजन और है तो हमें और एल्कीन का एडिशन कराना है ठीक है पहले आपका बी एच थ्री एज अ बोरोन हाइड्राइड की तरह एक्ट कर रहा था बोरेन की तरह ठीक है ठीके? अब यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह अटैक एक्ट कर रहा है ठीक है और ये एल्किन इलेक्ट्रॉन रिच है ठीक है तो अब आप ध्यान से देखना इसको मैंने ऐसे लिख दिया आर सी एच टू सी एच टू बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन अब एक हाइड्रोजन जाएगा मोर सब्सिट्यूटेड कार्बन के पास और एक पूरा ग्रुप बोरोन के साथ कहाँ जाएगा लेस सब्सटीट्यूटेड कार्बन के साथ तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा देखो आर तो मैंने एस सच लिख दिया फिर यहाँ क्या है सी एच इसके साथ क्या अटैच होएगा ये वाला हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन तो यहाँ हो गया ठीक है नेक्स्ट है सी एच टू उसके साथ क्या अटैच होएगा बोरोन और बोरोन के साथ जो पूरा ग्रुप लगा है तो यहाँ पर बी बी के साथ क्या क्या है एक तो हाइड्रोजन है और क्या है सी एच टू सी एच टू आर ये पूरा ग्रुप ठीक है बट अभी भी बोरोन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है मीन्स हमें वो भी कंज्यूम करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे एक और एल्किन के मॉलिक्यूल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ठीक है अब देखो ज़रा अब ये आपका एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट स्पीशी एक्ट करेगा ध्यान रखना है आपने अब इसके पास एक हाइड्रोजन है हाइड्रोजन जाएगा मोर सब्सटीट्यूटेड के पास और बोरोन वाला पूरा ग्रुप जाएगा लेस सब्सटीट्यूटेड के पास तो आर ऐसे लिखा मैंने ये सी एच ये मोर सब्सटीट्यूटेड है इसके साथ तो लगा दूं मैं हाइड्रोजन और ये जो सी एच टू है ये लेस सब्सटीट्यूटेड है इसके साथ ये पूरा बोरोन का ग्रुप तो बोरोन के साथ क्या क्या अटैच है अब ध्यान से देखना सी एच टू सी एच टू आर अभी एक और मॉलिक्यूल अटैच है उसके साथ सी एच टू सी एच टू आर ठीक है इतना क्लियर है आपको तो हमारे पास क्या बन गया यही इसको बोलते हैं हम एल्काइल बोरेन और मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पर कितने ग्रुप्स हो गए ये आर सी एच टू सी एच टू कितने हो गए थ्री ना वन टू थ्री थ्री ग्रुप और साथ में क्या है बी बोरेन तो इसको हम क्या लिखेंगे एल्काइल बोरेन तो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था दैट इज़ हाइड्रोबोरेशन जिससे हमें मिलता है एल्काइल बोरेन आपने याद रखना है मकैनिज़म आप एक के लिए दिखा सकते हो बाकी सेम स्टेप होता है जब तक सारे हाइड्रोजन हाई बोरेन के कंज्यूम नहीं हो जाते तब तक हमने एल्कीन के एडिशन कराते रहना है तो ये तो था हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन अब आपने पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बोरेन ऑक्सीडेशन जो है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 and OH negative means oxidation of alkyl borane occurs through nucleophilic attack of OOH negative obtained from hydrogen peroxide in the presence of OH negative. Nucleophile कौन act कर रहा है OOH negative ठीक है but ये आता कहाँ से है अब आपने देखना है जब आप H2O2 with OH negative आयन लेते हैं तो आपके पास क्या होता है ओ एच नेगेटिव आयन एच टू ओ टू से एच पॉजिटिव आयन ले लेगा जब एच पॉजिटिव आयन जाएंगे वो किसके साथ कंबाइन होंगे ओ एच नेगेटिव के साथ और वाटर एलिमिनेट हो जाएगा लास्ट में आपके पास क्या बचेगा ओ ओ एच नेगेटिव देखो एक्चुअल में एच टू ओ टू का स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसे ही होता है ये है हमारे पास बेस की प्रेजेंस में ये एच क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके चले जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया एच कैसा रह गया एच पॉजिटिव वो ओ एच नेगेटिव के साथ कंबाइन हो गया तो वाटर निकल गया और ये कैसा हो गया ओ एच ओ नेगेटिव क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो कैसा ओ ओ एच नेगेटिव तो अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल ठीक है आपको पता है हम हमने एल्काइल बोरेन लिया थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन तो एल्काइल बोरेन भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है तो उस पर क्या अटैक कौन अटैक करेगा न्यूक्लियो तो ये यहाँ से ओ नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ पर तो बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन बोरोन एंड ऑक्सीजन तो ये तो देखो एज सच रहा सी एच टू सी एच टू आर के तीन ग्रुप्स लगे हैं वो तीनों ग्रुप बो रहे उनके साथ एक नया ग्रुप और लग गया ओ ओ एच वाला फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ओ एच नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा इधर से ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा ये जो है बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा ऑक्सीजन को तो ओ नेगेटिव ओ एच नेगेटिव बन के बाहर अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट हो गया तो इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे ये वाला जो बॉन्ड है ये फिर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर एक तरह से रीअरेंजमेंट हुई अब हमारे पास क्या बनेगा ध्यान से देखना ये वाला बॉन्ड तो यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया ऑक्सीजन पर अब बोरोन के साथ एल्काइल वाले कितने बॉन्ड रह गए ये वाले दो बॉन्ड सी एच टू सी एच टू आर और इधर से सी एच टू सी एच टू आर ठीक है अब ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो गया ओ एच नेगेटिव बन के बाहर एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है अब ऑक्सीजन के साथ और क्या अटैक कर रहा है देखो सी एच टू तो ओ सी एच टू सी एच टू आर तो मतलब मेन पर्पस एच टू ओ टू विद ओ एच नेगेटिव का क्या है कि ये हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाए ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से आप क्या ऐड करोगे एच टू ओ टू इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच नेगेटिव तो सिमिलरली सेम प्रोसीजर फॉलो होगा सेम मकैनिज्म वो ओ एच नेगेटिव जनरेट होगा वो इधर अटैक करेगा फिर ओ एच नेगेटिव बाहर फिर ये वाला रीअरेंजमेंट शो करेगा तो मतलब एक और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एल्काइल ग्रुप तो ये तो अटैच हो ही रखा है फिर एक और हो जाएगा ओ सी एच टू सी एच टू आर ठीक है सिमिलरली ये वाला तो पर अभी ऐसे ही रहेगा सी एच टू सी एच टू आर सिमिलरली हम एक बार और एडिशन कराएंगे एच टू ओ टू और ओ एच नेगेटिव की ठीक है उस टाइम क्या होगा जो एक बचा है वो भी फिर एल्का ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओ सी एच टू सी एच टू आर इधर भी ओ सी एच टू सी एच टू आर इधर भी ओ सी एच टू सी एच टू आर यही होगा हमारे पास ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में हम किसका एडिशन करा रहे हैं एन ए ओ एच का किसका करा रहे हैं एन ए ओ एच का एडिशन करा रहे हैं ठीक है जब आप एन ए एच का एडिशन करा रहे हो तो यहाँ पर क्या होगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से ये सारे ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे ठीक है ये बॉन्ड क्लीव होगा तो जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा हमारे पास तीन कैसे मॉलिक्यूल जनरेट हो गए तीन सी एच टू सी एच आर सी एच टू सी एच टू ओ पे नेगेटिव चार्ज इधर भी आर सी एच टू सी एच टू ओ पे नेगेटिव इधर भी आर सी एच टू सी एच टू ओ पे नेगेटिव तो मतलब आर सी एच टू सी एच टू ओ नेगेटिव के साथ कौन कंबाइन करेगा एन ए पॉजिटिव ठीक है और आपके पास क्या बचा बी थ्री पॉजिटिव क्योंकि उसके तीन तीन बॉन्ड क्लीव हुए तो B3 पॉजिटिव के साथ कौन कंबाइन हो जाएगा ओ OH. तो ओ OH नेगेटिव तो हमारे पास क्या आ गया बी ओ एच थ्राइस ठीक है यही आएगा हमारे पास अब हमारे पास वाटर तो प्रेजेंट है ही यहाँ पर तो ये क्या करेगा फर्दर आर सी एच टू सी एच टू ओ एच प्लस एन ओ एच बाहर एलिमिनेट हो जाएगा तो हमारे पास थ्री मोल्स एल्कोहल के जनरेट हो जाएंगे ठीक है और यहाँ पर आप देखोगे बुक में क्या लिखा है एन लिखा है तो ये एच की फॉर्म में लिखा जा सकता है ठीक है अब एच थ्री बी ओ थ्री हमारे पास एन ए ओ एच प्रेजेंट है तो वो रिप्लेस कर देगा इसको एन ए पॉजिटिव से तो एन ए थ्री बी ओ थ्री हो जाएगा यहाँ पर आपने याद रखना है एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव ही होगा ओ नेगेटिव के साथ इधर कौन जाएगा एन ए पॉजिटिव ठीक है और बी थ्री पॉजिटिव के साथ कौन जाएगा ओ OH. एच तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा ठीक है तो देखो रूल तो एंटी मार्कोनिक ऑफी लगा हमारी स्टार्टिंग एल्किन ये थी आपने एक बार बोरेन ऐड किया तो बी एच टू यहाँ एच यहाँ ऐसे ही हमने फिर फर्दर टू मोल्स एल्कीन के और ऐड करेंगे तो यहाँ पर एल्काइल बोरेन बन जाएगा ये वाला ठीक है फिर एच टू ओ टू किया इन द प्रेजेंस ऑफ ओ एच नेगेटिव तो हमारे पास क्या आया एच वहाँ आया जहाँ कम हाइड्रोजन ओ एच वहाँ आया जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन तो रूल कौन सा फॉलो हुआ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल और यहाँ पे आपने याद रखना है कि थ्री मोल्स ऑफ एन ऐड ही करेंगे क्योंकि थ्री वोल्स ऑफ एन ए पॉजिटिव आपको चाहिए यहाँ पर थ्री ओ एच नेगेटिव आयंस चाहिए ठीक है तो ये तो था हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है हमने ऑक्जीमार्क्यूरेशन डी मार्क्यूरेशन ठीक है तो ऑक्जीमार्क्यूरेशन डी मार्किूरेशन में भी आपके पास हाइड्रेशन ही होता है वाटर का एडिशन होता है एक साइड एच लगता है एक साइड ओ एच और, और यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोनिक ऑफ एडिशन हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और ओ एच OH वहाँ जाता है जहाँ कम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन तो देखो ये रिएक्टेंट है आपका ये प्रोडक्ट है बनता एल्कोहल ही है यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है यहाँ पर कम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन तो यहाँ पर ओ OH है ये भी टू स्टेप रिएक्शन है फर्स्ट ऑक्सीमार्क्यूरेशन होता है देन डीमार्क्यूरेशन होता है ऑक्जी में आपके पास क्या होता है पहले एडिशन होती है मर्क्यूरिक एसिटेट एंड वाटर की ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ टी एच एफ ठीक है टी एच एफ आपके पास सॉल्वेंट है तो वाटर और मर्क्यूरिक एसीडेट जब आप ऐड करते हो तो जो लेस सब्सटीटूटेड है जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ पर तो ओ एच आ जाता है सॉरी जो मोर सब्सिटीट्यूटेड है कार्बन मीन्स जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ क्या आ जाएगा ओ OH, और जो लेस सब्सट्रीब्यूटेड है उस पर क्या आ जाएगा मर्क्यूरी एसिटेट ठीक है एच डी ओ सी ओ सी एच थ्री और एक एसिटिक एसिड क्या हो जाता है एलिमिनेट हो जाता है एक एसिटेट आयन इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड ठीक है सेकेंड स्टेप है डी मार्क्यूरेशन जो एच डी वाला ग्रुप आया है हमारे पास हमने उसको क्या करना है रिमूव करना है ठीक है तो कैसे करोगे यहाँ पर हम लेते हैं एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइट जो कि हाइड्राइड डोनर होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है तो ये इस ग्रुप को एलिमिनेट कर 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 करके यहाँ पर क्या ला देता है एच ठीक है रिप्लेस कर देता है इसको एच से और हमारे पास ये ग्रुप तो एस एसिटेट आयन के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है और एच जी बाहर निकल जाता है ठीक है तो ये भी कैसे रिएक्शन है एक रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है जिसमें मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है मीन्स वो ही बनता है हमारे पास ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये एल्किन है और आप क्या ऐड करा रहे हो मार्क्यूरिक एसिडेट टी एच एफ एंड वाटर एंड सेकेंड स्टेप इज रिड्यूसिंग रिडक्शन विद एन ए बी एच फोर दैट इज डी मार्क्योरेशन ठीक है तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और ओ एच कहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है तो ये कौन सा रूल हुआ मार्कोनिकॉफ रूल ठीक है तो यहाँ पर मकैनिज़म है आपके पास तो टू स्टेप मैकेनिज्म है फर्स्ट इज ऑक्जीमार्क्यूरेशन सेकेंड इज डी तो ऑक्जी में आपने याद रखना है इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ब्रिज्ड बनता है कैसा बनता है ब्रिज्ड तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट है सबसे पहले तो यहाँ से एक एसिटेट आयन क्या होता है एलिमिनेट होता है जब ये एसिटेट आयन यहाँ से एलिमिनेट होगा तो ये मरकरी जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है तो मरकरी से तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक एसिटेट ग्रुप उसके साथ अटैच रहा और एक एलिमिनेट हो गया ठीक है अब आपको पता है यकिन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ठीक है और म यहाँ पर मरकरी जो आयन बना है वो कैसा है इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट तो एलकीन के इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करेंगे इस आयन पर ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक मर्करी ब्रिस्ड कार्बोकेटाइन बनेगा ठीक है तो मर्करी ब्रिस्ड कार्ब यहाँ पर आपने याद रखना है कि ब्रिस्ड कार्बोकेटायन ही बनेगा सिंपल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा जनरली जो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन होते हैं उनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कार्बोकेट से ज़्यादा होती है यहाँ पर देखो इस इलेक्ट्रॉन ये पाए इलेक्ट्रॉन जो है इसने तो बॉन्ड बना लिया विद एच डी ओ ए सी ठीक है अब ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसे बन रहा है एच डी के पास अंदर इनर इलेक्ट्रॉन है वो ये बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहे हैं ठीक है थीके? तो अब डॉटेड बॉन्ड कैसे बने हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसलिए हमने कैसा शो किया डॉटेड और ये बॉन्ड कैसा है ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसलिए हमने इसको कैसा शो किया डॉटेड शो किया ठीक है तो हमारे पास कैसा कार्बोकेटाइन बना है मर्क्य ब्रिस्ड कार्बोकेटाइन ठीक है अब जो ये ब्रिस्ड कार्बोकेटाइन है ये कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक ही है नेचर में आपने ऑक्सी में क्या ऐड किया है एच डी ओ ए सी ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिडेट एंड वाटर तो पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ दूसरा अटैक क्या होगा ब्रिस्ड कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका होगा वाटर का होगा क्योंकि देखो ये कार्बन तो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया अब ये बॉन्ड भी तो ब्रेक होना है किसी किसी के पास तो जाएगा ही ये एच ग्रुप तो एच ग्रुप जो है वो लेस सब्सटिट्यूटेड कार्बन के साथ जाता है ताकि कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो ठीक है तो ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा ठीक है और वाटर में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है ये कार्बन कम्प्लीटली इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा ठीक है जब ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट करेगा तो वो वाटर के साथ बॉन्ड बन जाएगा सी एच का अब वाटर के साथ जब बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन का एक लोन पेयर बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गया तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब तीन बॉन्ड होते हैं एक लोन पर तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव ठीक है अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है हम कोशिश करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज ना रहे ठीक है तो हमारे पास अभी रिएक्शन में क्या एलिमिनेट हुआ था एसिटेट आयन ठीक है ये एसिटेट आयन इधर से एच पॉजिटिव को विड्रॉ कर लेंगे ये एच अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा ऑक्सीजन को तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया न्यूट्रल हो गया ये ऑक्सीजन अब ये एच पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो जाएगा वो जो हमारे पास एसिटेट आयन थे और हमारे पास क्या एलिमिनेट हो जाएगा सी एच टी सी ओ ओ एच और यहाँ पर क्या रह जाएगा आर सी एच इधर ओ एच जहाँ कम हाइड्रोजन वहाँ पर ओ OH और दूसरे वाले जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन वहाँ पर एच जी ग्रुप तो हमारे पास क्या बन गया हाइड्रोक्सी मर्क्यूरियल कंपाउंड बन गया है हमारे पास ठीक है तो ये तो था ऑक्सी मर्क्यूरेशन की मर्करी कंपाउंड का हमने एडिशन कराना है मतलब मर्क्यूरियल कंपाउंड बनाना है हमने ठीक है नेक्स्ट स्टेप है डी मार्क्यूरेशन इसमें आपको मैकेनिज्म लर्न करने की ज़रूरत नहीं है डी में आपने सीधा याद रखना है कि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे तो ये पूरे एच ग्रुप को रिप्लेस कर देगा विथ हाइड्रोजन और एच एलिमिनेट हो जाएगा और सी एच सी ओ ओ एन एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है तो ये है हमारे पास ऑक्सी मार्क्यूरेशन डी मार्क्यूरेशन अब आपके पास ये कुछ कंप्लीट द रिएक्शन है है तो हाइड्रेशन ही अगर आप मार्क्यूरिक एसिटेट ले रहे हो विथ सोडियम बोरोहाइड तो भी डी है, तो भी हाइड्रेशन होगी एच हो, ओ एच का एडिशन अगर आप बी टू एच सिक्स विद एच टू टू ओ एच नेगेटिव ले रहे हो तो भी क्या है हाइड्रेशन ही है एच और ओ एच का एडिशन तो ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही थी तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है साइक्लिक हेलोनियम आयन मकैनिज़म हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करती है ट्रांजिशन स्टेट बनती है फिर हमने पढ़ा ऑक्सी मार्क्यूरेशन डी जो कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन फॉलो करता है बनता एल्कोहल ही है हमारे पास ठीक है तो ये आपने कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करनी है तो अब दो रिएक्शंस रहती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे